आज हम खड़े हैं संत आसाराम जी बापू आश्रम आलंदी। आलंदी मतलब पूना महाराष्ट्र के अंदर आसाराम जी बापू का आश्रम आया हुआ है। आज यहाँ बापू के भक्त भक्तों द्वारा आश्रम के अंदर बापू का 83वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। गुरु गीता के माध्यम से हम संकल्प करें, चाहे मंत्र जाप करके हम संकल्प करें, वर्णाश्रम की परिक्रमा करके हम संकल्प करें, लेकिन संकल्प एक ही करेंगे कि हमारे बापू जी की दीर्घ आयु हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। कष्टों से मुक्ति कराने, कष्टों से मुक्ति कराने, ये कहाई यहाँ पर बापू जी का अवतरण दिवस जो कि आज देश विदेश की समितियाँ मना रही हैं। आज बापू जी के अवतरण दिवस के निमित्त गरीबों में भंडारे किए जाते हैं, शरबत वितरण किया जाता है, जीवन उपयोगी वस्तुएं उनको दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, जरूरत की चीजें आज उनको दी जाती हैं। देख रहे हैं काफी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई है। योगानुयोग कहो कि आज 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने बापू को आजीवन कारावास की सजा कर दी। आज 1 साल पूरे हो रहे, देख रहे हैं कि भक्तों की संख्या में कमी नहीं आ रही। क्या कारण है कि भक्त इतने दौड़े दौड़े आते हैं? भक्तों की संख्या में इसीलिए कमी नहीं आ रही है क्योंकि आज 1 साल तो जरूर हो गया है, लेकिन भक्तों के अलावा निगरे लोगों ने भी जो यहाँ पर आते नहीं है उन्होंने भी सेशन कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल स्वीकारा नहीं है कि आशाराम जी बापू दोषी हैं। वे तो आज भी साधक तो बरसों से कह रहे हैं, लेकिन निगरे लोग भी कहते हैं कि बापू जी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर झूठी सजा दी गई है। हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, भक्तों की श्रद्धा बाकी है और बापू जल्द से जल्द बाहर आएंगे। आज बापू जी को जेल में रखा गया है, लेकिन भक्तों के अंदर जो बापू बैठे हैं उनको कैसे निकाल पाएगा कोई मीडिया वाला, कोई कोर्ट वाला, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, उनको कैसे निकाल पाएगा? तो भक्तों के दिल के अंदर जो श्रद्धा है वो तो आज भी है। सेशन कोर्ट जो भी ऑर्डर जारी किया हो, लेकिन हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है और इन सबसे ज्यादा ईश्वर की सरकार बाकी है। दिलीप भाई पिंपरी से आए हो, आज यहाँ किस निमित्त आना हुआ? बापू जी के जन्म उत्सव पर। तो बापू को तो 1 साल हो गए, आपके गुरुजी 1 साल हो गए, मतलब आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके बावजूद यहाँ आना हुआ क्या? बापूजी पूर्ण तरह से निर्दोष हैं और मैं बापूजी को सालों से जानता हूँ, मेरा भाई 25 सालों से आश्रम में रहता है। बापूजी पूरी तरह से निर्दोष हैं, बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। सतगुरु देव की जय। महेश भाई आपके भाई है, 25 सालों से बोले आश्रम में रह रहे हो, ऐसा नहीं लगता कि अब घर चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगता है, ये तो मेरे को इस समय ऐसा बोलते हैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरा भाई यहाँ पर उपस्थित है, वे तो खास बोलते हैं कि ऐसे समय में तो बिल्कुल आश्रम से घर आना ही मत, अब बापू आ जाए फिर तब की बात तब सोची जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल आश्रम में रहने जैसा है। तो हमारे पूरे परिवार की, हमारी सबकी निष्ठा है और बापू जी जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, ये भक्तों की पूरी पूरी आस्था है। मेरा ललिता चौधरी नाम है, पूना से हूँ मैं। आज यहाँ किस निमित्त आना हुआ? आज बापू जी का अवतरण दिवस है। बापू को तो 5 साल ऊपर हो गए, बापू जोधपुर जेल में बंद है। जेल में तो हमें तो नहीं लगता बापू जी जेल में है, हम तो सबके, हमारे सब भक्तों के हृदय में बापू जी विराजमान है, बापू जी को कोई बंद नहीं कर सकता। आज बापू को 1 साल पूरे हो रहे, जोधपुर सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, श्रद्धा में कितनी कमी आई? बिल्कुल नहीं, कभी कम होगी नहीं। इतना सारा दिखाया मीडिया में, इतना सारा चला, इतना सारे आरोप लगे, उसके बावजूद यहाँ आ रहे हो, क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ सुख शांति चैन जो दुनिया में नहीं मिलता वो सभी इधर ही मिलता है। तारिका बहन, कितने सालों से आते हो? 15 साल से हो। 15 सालों से ये जो बापू पे जो आरोप लग रहे, बापू को जो सजा हो गई उसके बारे में क्या कहो? सजा तो बिल्कुल गलत बताई है और आरोप तो बिल्कुल, बापूजी हमारे निर्दोष है, आरोप लगा, आरोप का कोई मतलब ही नहीं बनता है और हम जानते हैं हमारे बापूजी निर्दोष है, हमको कोई मतलब नहीं है कौन क्या आरोप लगा रहा है। समाज के अंदर रिश्तेदार नातेदारों में जाते हो, संकोच नहीं होता क्या आसाराम जी बापू के शिष्य? बिल्कुल नहीं, उल्टा और गर्व के साथ हम सामने जाते हैं और लोग हमको एक्सेप्ट करते हैं, हम जो भी एक्सप्लेनेशन उनको देते हैं बापू जी के बारे में, हमारा अनुभव बताते हैं, तो लोग उल्टा बोलते कि इतना गलत कैसे हुआ उनके साथ, इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या मिलता है यहाँ आने से?
यहाँ बहुत सुख शांति है हमको। हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कैसे फेस करने का, बड़े बड़े संकट है पर वो संकट संकट ही लगते नहीं बापूजी के सत्संग से। और उन्होंने जो साधना बताई है, जगत की नश्वरता बताई है, जीवन इतना शांति में और सुख में हो गया है और इतना बड़ा अनुभव है तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। हमारे बापूजी का अवतरण दिवस है, वो उसको हम धूमधाम से मना रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या देवी कार्य होता है आश्रम? इस पूना में और बाड़ा में दरिद्र नारायणों में हम भंडारे करते हैं, दिवालियों में करते हैं और कई जगह पे ऐसे गरीबों में अनाज वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं और कई देवी कार्य हमारे समिति के लोग और आश्रम मिलके करता है। हमने सुना आप 10 आश्रम संभालते हो, तो 10 आश्रमों के अंदर मतलब बापू को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद भक्तों की संख्या श्रद्धा में कमी आई क्या? कोई कमी नहीं आई है। जहाँ भी मैं 10 आश्रमों में जाता हूँ वहाँ लोगों की संख्या भरपूर मिलती है और बापूजी निर्दोष हैं हमारे और बापूजी आएंगे। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम आलंदी के अंदर बापू का 83वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और एक आश्चर्य की बात है कि बापू को ऐसे 5 साल ऊपर हो गए जोधपुर जेल में, लेकिन 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। आज 25 अप्रैल 2019 से मतलब 1 साल पूरे होने को आए लेकिन भक्तों की संख्या श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, आलंदी आश्रम पुणे महाराष्ट्र, रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए।